कौन कहेगा कि 100 साल हो गए इस तस्वीर को, क्योंकि एक ही चीज तो है जो अलग है। पर ऐसा लगता है कि इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में किसी ने थोड़े रंग भर दिए इस वाले नज़ारे का दीवाना तो हर कोई होता है, लेकिन इसके पीछे का नज़ारा शायद ही किसी ने देखा होगा। तो गाइस, ये जो सब आप देख रहे हैं वो रथ के पहिए हैं, और रथ बनाया जा रहा है फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद है रथ यात्रा। तो रथ को मतलब फिलहाल कंप्लीट कर देंगे ये लोग। ये लोग जगन्नाथ जी के सेवा भूलते ही नहीं, और ये लोग रात दिन मेहनत करके रथ बनाते हैं, और हम जो नज़ारा देखते हैं और उस नज़ारे को ये बनाने में मदद करते हैं। और ये प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी के रथ बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन रथों में टोटल मेटल ही यूज़ नहीं होता, क्योंकि मतलब हम जैसे कील वगैरह लगाते हैं तो वो कील ही नहीं लगाता है लगाया जाता है इसमें, क्योंकि ये मतलब टोटली नीम की लकड़ियों से ही बनाया जाता है, नीम की लकड़ियों से। तो इसमें कोई मेटल यूज़ नहीं होता, और यहाँ पर बेसिकली 3 रथ बनाया जाता है, तो पहला जगन्नाथ जी का, दूसरा बलभद्र जी का, और तीसरा बहन सुभद्रा जी का। तो फिलहाल आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं रथ। इतने सारे मेहनत के बाद हमें जो नज़ारा दिखाई देता है ना, वो कुछ इस तरह होता है।